ओके सर, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी एस अंकल कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट थ्री डेज डन, एंड एज आई सेड लास्ट टाइम, अब एक मैटर ऑफ बिलोंगिंग आ गया है। अब आप भी एक्साइटेड होते हो अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, मैं भी एक्साइटेड होता हूं आपको पढ़ाने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। आप भी होते हो ना, मतलब डू लुक फॉरवर्ड, यस कल कुछ नया सीखने को मिलेगा, यस वैसे ही आई लुक फॉरवर्ड, यस कल कुछ नया सिखाने को और एट द सेम टाइम सिखाते सिखाते सीखने को भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब तो अपन फॉर्मूला लेवल पे आ गए हैं, काफी सारे फॉर्मूलाज भी अपन लोग करने लग गए हैं, डिराइव एग्जाम्पल्स। आप लोगों को मेरा सिस्टम अब समझ में आ गया होगा, दैट हाउ डू वी अप्रोच। So that is how it is going to go on till the end. So we'll always, अपन लोग क्या करेंगे, पहले कुछ examples, we'll always take some examples. Examples से we'll try to solve it on our own. कि भाई अगर ये example अपने को actually face करना पड़ता, then in that case how would I be reacted? वो reaction ही आपको help करेगा आपका formula derive करने में, आपका formula बनाने में. And once that formula is made, then we can solve the sums which are given in the module, which are given in the module. So, boss, approach बहुत ही clear रहेगा अपना in those terms throughout, right? तो अब फटाफट as usual अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक recap ले लेंगे। अब recap में क्या क्या recap लेना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि mutual funds क्या होता है, फिर आप मुझे open ended, close ended scheme के बारे में दो तीन बातें बताएंगे, फिर बाद में आप मुझे बताएंगे एनएवी क्या होता है, फिर एनएवी का फॉर्मूला, एक टिपिकल फॉर्मूला। कल अपन लोग ने एनएवी का और एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके बाद में अपन लोग ने देखा था भाई क्लोज एंडेड फंड हुआ तो आपको कैसे सिनारियो को मैच करना है, राइट। एंड अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो नया कैश लेके आ रहा है तो उस सिनारियो में कैसे होगा। तो ये जो भी चीज अपन ने अब तक पढ़ी है उसको रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज क्या भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके नाउ सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड क्या होता है वो अपने को समझ में आ गया। किसने चालू किया था म्यूचुअल फंड का सिस्टम? ऑब्वियसली आप लोगों के लिए याद रखने का जरूरत नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज व्हेन केटिच 1774, ठीक है। आपको कोई भी बुक में, सी बिकॉज वी स्टे इन इंडिया, आपको दुनिया की कोई भी बुक में ये चीज लिखी भी मिलेगी कि इंडिया में 1963 में यूटीआई के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। बट वो तो कोई भी बता देगा ना, बोलते ना लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है। उसमें एडिशनल नॉलेज क्या हुआ ये तो हर जगह पता है, बट एडिशनल नॉलेज ये अपने को पता चला कि ओवरऑल दुनिया में कहां पे चालू हुआ, नेदरलैंड्स में 1774 में ऑफिशियली, व्हेन केटिच इज द पर्सन हु स्टार्टेड इट। अच्छा मुझे बताओ व्हेन केटिच ने कौन सा फंड स्टार्ट किया था, जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, इट वाज अ क्लोज एंडेड फंड और इट वाज एन ओपन एंडेड फंड? हाँ बोलना जरा। तो मुझे हमारे भाई ने व्हेन केटिच ने जब स्टार्ट किया था तो उसने कौन सा फंड स्टार्ट किया था, वॉज इट अ ओपन एंडेड फंड और इट वॉज अ क्लोज एंडेड फंड? वेरी नाइस, इट वॉज अ क्लोज एंडेड फंड। क्या होता है उसके फीचर्स अभी अपन समझेंगे, नॉट टू वरी। ओके अच्छा उसके बाद में कौन से ईयर में ओपन एंडेड फंड स्टार्ट हुए कुछ याद है आप लोग को, एंड कहां पे हुआ ये स्टार्ट? सो नेदरलैंड्स में 1774 में चीजें बड़ी आगे बोलते ना फेमस होते गए। अब आज की तारीख में तो कोई चीज को फेमस करना है तो वायरल वीडियो बना दो फेमस हो जाएगा। 1774 में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी तो वायरल होने का तो टाइम लगेगा। सो धीरे 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 अराउंड 150 ईयर्स बाद अप्रोक्सीमेटली MIT में 1924 में द ओपन एंडेड फंड्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड देन द होल वर्ल्ड टुक इट ओवर फ्रॉम देयर एज फार एज म्यूचुअल फंड्स वर कंसर्न। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, अगर मैं आपको पूछता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है, या कोई भी आपको आके पूछे म्यूचुअल फंड क्या है, तो कैन आई से आप बोलोगे कि भाई पूलिंग ऑफ मनी है, भाई पूलिंग ऑफ मनी है, एक तो ये है इसका फीचर, दूसरा और क्या हो रहा है, ऑफ लाइक माइंडेड पीपल विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, बराबर है कि नहीं? आपको भी इक्विटी शेयर्स, रियल एस्टेट और ये सब के थ्रू पैसा कमाना है, मेरे को भी उसी से पैसा कमाना है, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, मेरे पास नॉलेज होते हुए भी टाइम नहीं है, तो इट्स एज गुड एज
नहीं है मेरे पास भी। सो देयरफॉर अपन मिलके पैसा जमा कर रहे हैं सो दैट वी कैन इन्वेस्ट विद अ म्यूचुअल फंड। जिसके पास एक बड़ा कॉर्पस आ जाएगा, जिसके पास एक बहुत बड़ा सम आ जाएगा, वहां पे अपन अपॉइंट करेंगे एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, करेक्ट। एंड वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर बोलते हैं उसको, असेट मैनेजर बोलते हैं उसको, सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसको, वो प्रोफेशनल जो होगा ही विल बी गिवन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट एंड अर्न रिटर्न फॉर अस, बराबर है। बट ऑब्वियसली देर आर नो फ्री लंचेस, फ्री में तो नहीं करेगा वो। सो वो क्या अपने से एक्सपेक्ट करेगा, एक प्रोफेशनल फी। तो वो अपने को उसको एक प्रोफेशनल फी देना है, बाकी जो भी रिटर्न आया तो रिटर्न आया उसमें से प्रोफेशनल फी दे दिया, उसके बाद जो भी रिटर्न आया वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल द यूनिट होल्डर्स, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यूनिट होल्डर्स, करेक्ट। सो क्या मैंने सही बताया म्यूचुअल फंड का पूरा आइडिया? तो आपको आज से कोई पूछे ये म्यूचुअल फंड क्या है तो समझ गए ना म्यूचुअल फंड क्या है। सो म्यूचुअल फंड, पुलिंग ऑफ मनी बाय लाइक माइंडेड पीपल, एकदम एकदम बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं भाई, तुम्हारा कोई हाई फाई डेफिनेशन नहीं है इसमें कहीं पे भी, इसमें कहीं पे भी हाई फाई कुछ मैंने यूज ही नहीं किया, एकदम बेसिक चीज है। हाई फाई के लिए जाओ बुक मिल जाएगा उधर, बट ये तो लॉजिकल डेफिनेशन है। सो पुलिंग ऑफ मनी बाय लाइक माइंडेड पीपल हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, इससे क्या होगा कहना, इससे एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। सो दैट अ कॉर्पस इज क्रिएटेड, सो दैट अ कॉर्पस इज क्रिएटेड, राइट। अब एक कॉर्पस क्रिएट हो गया, फिर क्या होगा, इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी उसको फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट क्लासेस, फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट क्लासेस। सो जितने भी एसेट क्लासेस अपने को चाहिए अपन पहले से उस हिसाब से ही फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सो फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट क्लासेस टू अर्न अ रिटर्न, टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, वी विल से भाई अच्छा रिटर्न आ गया, कोई मल्टी बैगर हो गया तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट रीजनेबल रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, एंड इसके सामने आप क्या पे करोगे, फॉर और वो कहते हैं ये कौन मैनेज करने वाले, पहले वो लिख देते हैं, फॉर टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न टू बी मैनेज्ड, टू बी मैनेज्ड, हु इज गोइंग टू मैनेज इट, बाय अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर बोलो, फंड मैनेजर बोलो, एसेट मैनेजर बोलो, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बोलो, जो बोलना है बोलो, टू बी मैनेज बाय अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, सही है, फॉर अ प्री डिटरमाइंड फी। पहले से बात बात हो जाएगा भाई, तेरे को हम इतना पैसा देंगे फॉर अ फ्री प्री डिटरमाइंड फी, ठीक है। एटलीस्ट 3 लेक्चर में अपन लोग एक सिंपल डेफिनेशन तो क्रिएट कर पाए हैं म्यूचुअल फंड का, क्या इससे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। बुक का डेफिनेशन देखने जाओगे तो थोड़ा हाई लेवल का दिखेगा, ये डेफिनेशन आप आपके घर पे आपके पेरेंट्स को भी बताइए, उनको भी ये पढ़ के समझ जाएगा। अच्छा, पुलिंग ऑफ मनी किसके थ्रू, बाय लाइक माइंडेड पीपल, जिनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, जिनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, क्यों, सो दैट एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाए, कॉर्पस मतलब अच्छा खासा पैसा क्रिएट हो जाए, फिर वो पैसे का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे वेरियस एसेट क्लासेस में, राइट, टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि $1 का $1,000 2 दिन में, $1,000 का $0 3 दिन में, ऐसा तो नहीं होगा। क्रिप्टो के बारे में जानना है, सब जानेंगे, सब जानेंगे। टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न, ठीक है, एंड मैनेज कौन करेगा, आप या मैं नहीं कर सकते, अपने पास टाइम नहीं, अपने पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, टू बी मैनेज बाय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर अ प्री डिटरमाइंड फी, एज सिंपल अ डेफिनेशन दैट आई कुड गिव यू फॉर म्यूचुअल फंड्स। एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन मैं आने वाले कोई भी लेक्चर में रिवाइज नहीं करूंगा, आई होप सेट हो गया है, ठीक है ना, एकदम फ्रीज करके लॉक कर दिया है उसको, डन। अभी अगर मैं कभी आप लोगों को पूछ लूं म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन दो, तो क्या तुम लोग भी ऐसा ही कुछ दे पाओगे, एग्जैक्ट वर्डिंग्स में नहीं चाहिए बट कहना इसे लॉजिकली तुम लोग भी यही कुछ आंसर करोगे मेरे को, राइट। चलो डन,
सो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिंदगी भर के लिए अपन लोग ने दिमाग में लॉक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। तो अपन ने देखा कि फंक्शनली म्यूचुअल फंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, फंक्शनली म्यूचुअल फंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन पे दो पार्ट है, एक अपन ने बोला था भाई क्लोज एंडेड फंड है, इसी से कहानी स्टार्ट हुई थी म्यूचुअल फंड की, और दूसरा है ओपन एंडेड। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, टुक में शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, और शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ओपन एंडेड फंड क्या होता है, तो क्लोज एंडेड फंड ऐसा है जो एक लिमिटेड यूनिट्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए जनरल पब्लिक को ऑफर करता है, और उसके बाद अगर आपको री इन्वेस्ट करना है या आपको अपने यूनिट्स को रिडीम करना है, देन इन दैट केस आपको सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। ये अगर मैं ओपन एंडेड की बात करूं तो अनलिमिटेड यूनिट्स इश्यू होते हैं, एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूनिट होल्डर को री इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में या उसको रिडीम करना है वो म्यूचुअल फंड से, सो ही कैन डायरेक्टली गो टू द म्यूचुअल फंड हाउस एंड आपको वहां से रिडेम्पशन मिल जाएगा, राइट right? चलो, सो अगर मेरे को लिखना है यहां पे तो लिमिटेड यूनिट्स हाँ कब ऑफर्ड ड्यूरिंग एनएफओ, ऑफर्ड डायरेक्टली ड्यूरिंग एनएफओ, राइट। अब रीइन्वेस्टमेंट करना है तो रीइन्वेस्ट और रिडीम, अगर री इन्वेस्ट या रिडीम करना है तो क्या बोला, री इन्वेस्ट या रिडीम करना है, देन इन दैट केस री इन्वेस्ट और रिडीम डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, जिसको अपन प्यार से स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बराबर है। अच्छा, इसमें आप जो खरीदी और बेच करते हो एनएफओ पे, तो चलो आप एनएफओ प्राइस पे ले लोगे 10 रुपए पे, बट उसके बाद आप जो प्राइस पे खरीदने वाले और बेचने वाले हो वो मार्केट प्राइस होगा बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई या नेट एसेट वैल्यू, वो मार्केट प्राइस होगा या नेट एसेट वैल्यू। सो आप बोलेंगे कि सर डेफिनेटली इट विल बी द, सो द प्राइसिंग प्राइसिंग विल बी द मार्केट प्राइस, बराबर है, जो डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है, बराबर है, ओके डन। यहां पे बेसिकली आपका एक लॉक इन हो जाता है पैसा, यहां पे बेसिकली लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है। अब यही अगर मैं बोलता हूं कि भाई ओपन एंडेड तू क्या है, अब अगर यही मैं बोलता हूं ओपन एंडेड तू क्या है, तो ओपन एंडेड के लिए अपन बोलेंगे, ओपन एंडेड के लिए अपन बोलेंगे कि भाई अनलिमिटेड यूनिट्स रिडीम और इश्यू हो सकते हैं, अनलिमिटेड यूनिट्स रिडीम और इश्यू हो सकते हैं, करेक्ट, ऑफर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ऑफर्ड यहां पे तो ऑफर्ड डायरेक्टली ड्यूरिंग एनएफओ, ऑफर्ड यहां पे मैं लिखूंगा एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, यस सर, ओके, री इन्वेस्ट और रिडीम डायरेक्टली कहां से, फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउस, सो ईयर आई विल ऑल्सो राइट दिस, एज इट इज यही कॉपी कर लिया, नहीं हो पाएगा, ओके, सो री इन्वेस्ट या रिडीम कहां से करना है, डायरेक्टली फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउस से अपन कर सकते हैं यहां पे, ओके। प्राइसिंग किसके ऊपर होता है, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर होता है, लॉक इन पीरियड होता है क्या कोई, नो लॉक इन, अच्छा यहां पे नो लिक्विडिटी, यहां पे इजी लिक्विडिटी, तो ऑब्वियस है कि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक विल ट्राई टू इन्वेस्ट थ्रू ओपन एंडेड, एंड 95% आज की तारीख में फंड्स भी ओपन एंडेड ही है। अभी एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में ताला लगा दिया है कि आज के बाद मुझे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आप लोग के साथ रिवाइज या डिस्कस करने की जरूरत है क्या, एब्सोल्युटली नो, राइट गाइस, यस, क्लोज एंडेड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिक्स्ड है, एंड ओपन एंडेड में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ओके गाइस, चलो डन। सो ये हो गया मेरा, so, लिखना है तुमको वो पॉइंट भी, लिख लो इधर, फिक्स्ड यूनिट्स फ्लेक्सिबल यूनिट्स,
चल ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स एट वन प्लेस, एकदम सिस्टमैटिकली हो गया है आपका काम। चलो सो ये मेरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी हो गया है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स का। फिर बाद में ये मेरा म्यूचुअल फंड का मैंने डेफिनेशन जो था वो भी परफेक्टली आप लोगों को दे दिया है। ठीक है ओके। उसके बाद में अपन लोग ने समझने की कोशिश की नेट एसेट वैल्यू की, बिकॉज अपन ने देखा कि यार 95% तो आज की तारीख में ओपन एंडेड फंड्स है। और एक चीज सर ने बोला कि भाई ओपन एंडेड फंड्स का जो भी प्राइसिंग होगा वो नेट एसेट वैल्यू पे होगा, है कि नहीं। सो ये नेट एसेट वैल्यू जानना जरूरी है, राइट। सो क्या होता है नेट एसेट वैल्यू, राइट। नेट एसेट वैल्यू इज द प्राइस एट विच म्यूचुअल फंड्स आर बॉट और सोल्ड, बराबर। सिंपल लैंग्वेज म्यूचुअल नेट एसेट वैल्यू क्या है, इट इज द प्राइस एट विच एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज बॉट और सोल्ड। एम आई राइट? यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा ओके। इसके बाद और कुछ क्या, एनएवी चेंज होता है एवरी मिनट? नहीं, एनएवी इज पब्लिश्ड ऑन अ डेली बेसिस एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। सो एनएवी क्या हो रहा है, ये पब्लिश्ड एट एंड ऑफ डे, एनएवी पब्लिश्ड एट एंड ऑफ डे ऑफ ट्रेडिंग सेशन। ठीक है सो ट्रेडिंग सेशन 3:30 को क्लोज होता है, तो 3:30 को हर एक म्यूचुअल फंड हाउस को पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये सब शेयर्स में आज की तारीख में चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा एनएवी चेंज होगा। सो उनका जो भी टीम है वो पूरा का पूरा वो वर्किंग कर देगा। सो प्रोबेबली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 और 7 PM वो लोग नैव पब्लिश कर देते हैं ऑन डेली बेसिस। ओके गाइस डन। फिर और कुछ इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन? तो सपोज अगर मेरे को ड्यूरिंग द डे कुछ परचेस करना है तो मैं येस्टरडेज नैव के ऊपर परचेस कर लूंगा, राइट। सो इफ एनी परचेस और सेल टू बी डन, इट इज डन एट येस्टरडेज एनएवी, क्योंकि आज का तो आया नहीं है, एंड होने के बाद आएगा। सो येस्टरडेज एनएवी आ जाएगा। चलो सो ये एनएवी की कुछ खासियत थी। अब एनएवी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपन लोग समझने गए, एनएवी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अपन लोग समझने गए। तो नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सो हियर वी विल राइट डाउन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इस इन्वेस्टमेंट में शेयर्स आ गए, इस इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें जो भी शेयर्स बॉन्ड्स आपके इन्वेस्टमेंट में जो भी हो सकता है, इट कैन बी अ शेयर्स, इट कैन बी अ बॉन्ड्स एटसेट्रा, इट कैन बी अ गोल्ड, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका मार्केट वैल्यू अगर रोज चेंज हो रहा है तो आपका नैव में भी उस हिसाब से उसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा आपके जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स है हो सकता है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को कुछ डिविडेंड भी मिले, सो डिविडेंड रिसीव्ड, उनको कुछ इंटरेस्ट इनकम भी मिले, सो इंटरेस्ट इनकम भी मैं यहां पे लिख दूंगा। और कुछ मिल सकता है क्या, बोलो बोलो चल चल। वेरी गुड, अदर इनकम भी मिल सकता है मेरे को, सो अदर इनकम भी लिख दिया मैंने, कुछ रिसीवेबल भी हो सकता है तो वो भी मैं लिख दूंगा। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर नैव। प्लस अगर मेरे पास कुछ कैश पड़ा है तो कैश कैश के वैल्यू पे ही रहेगा बट वो भी आ जाएगा। लेस अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो मैं क्या रिड्यूस करूंगा, अक्रूड एक्सपेंसेस या फिर कुछ पेबल्स हुए वो रिड्यूस कर दूंगा, राइट। सो ये मेरा टोटल नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा इससे मेरे को, टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, नेट एसेट वैल्यू ठीक है इज इक्वल टू नेट एसेट, ओ
जस्ट अ मोमेंट, इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट. अभी क्लियर एवरीवन? चलो हाय. सो ये मेरा नेट एसेट वैल्यू भी आ गया है. ठीक है, अगेन सेट है दिमाग में क्या आज के बाद मेरे को नेट एसेट वैल्यू के ऊपर कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो सर, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, रिसीवेबल जैसा इसमें किसी ने लिखा है कैपिटल गेन, तो भाई कैपिटल गेन भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी. कंटिन्यू करता हूं मैं कहानी को. अब नेट एसेट वैल्यू के बाद अपन लोग ने क्या सीखा कि नेट एसेट वैल्यू दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है. व्हाट इज दैट? क्या नेट एसेट वैल्यू दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है? क्या है वो, क्या है वो? कल अपन लोग ने सीखा ना कि नेट एसेट वैल्यू एक तो भाई तरीका ये है, और अगर नेट एसेट वैल्यू डेली बेसिस पे देखना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट वैल्यू अगर डेली बेसिस वाला करना है देन इन दैट केस क्या करोगे मोहम्मद? आएगा ना नेट एसेट वैल्यू, कल अपन लोग ने देखा था ना दूसरी तरीके से भी. चला जाओ उसको भी सॉल्व करते हैं. क्या है वो तरीका? वेरी गुड कीर्तिमान. सो हा, तो कैन आई से अपन लोग स्टार्ट करेंगे यस्टरडेज नैव पर यूनिट से. यस्टरडेज नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को यस्टरडेज बेसिकली मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, राइट? इसमें अब अपन ऐड करेंगे क्या आज के दिन में जो भी यूनिट्स इशू किया है. सो मनी रिसीव्ड ऑन, मनी रिसीव्ड ऑन यूनिट्स इशूड, ऑन यूनिट्स इशूड. ओके, उसके बाद लेस करेंगे मनी पेड ऑन यूनिट्स रिडीम्ड, मनी पेड ऑन यूनिट्स रिडीम्ड. करेक्ट, तो ये अपन लोग को आया है, ये अपने को मनी पेड हुआ है. उसके बाद क्या करोगे? अगर आज के पूरे दिन में कुछ मेरे को डिविडेंड या इनकम कोई रिसीव हुई हो तो डिविडेंड इंटरेस्ट अदर इनकम रिसीव, बराबर है? ओके, प्लस कैन आई से कुछ पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन हुआ रहेगा आज के दिन में, तो प्लस पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, प्लस पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, राइट? ऑल ऑफ दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई नेट एसेट वैल्यू. गॉट इट गाइज? लेस अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस पे किया है देन इन दैट केस वो चीज एक माइनस हो जाएगी. सो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा टोटल नैव, एंड इसको मैं डिवाइड करूंगा आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ. आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होगा? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होगा? सो वी विल से बाय यस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स, यस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें अपन क्या करेंगे? एड यूनिट्स इशूड टूडे, तो अपना उतना यूनिट्स और बढ़ जाएगा, लेस यूनिट्स रिडीम, लेस यूनिट्स रिडीम. ए समझ गए? अभी क्लियर गाइस? सो ये हो गया मेरा नैव अगर मुझे डेली बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो. डन, चलो ये भी अपना हो गया, याद आ गया सब आपको? करेक्ट, ओके. उसके बाद में अपन लोग ने क्या किया था? उसके बाद में अपन लोग ने, अगर आपको याद हो तो, देखा था कि भाई अगर कोई फंड क्लोज एंडेड हुआ तो, है कि नहीं? सपोज अपने पास कोई क्लाइंट आ गया जो बोलता है अरे यार मैंने तो है ना क्लोज एंडेड फंड में डाला, मैं वो 5% कैटेगरी वाला हूं जो क्लोज एंडेड में इन्वेस्ट करता है, तो ठीक है भाई हमारे पास तो सब चीज का हल है. सो अगर मेरा जो फंड है वो क्लोज एंडेड फंड हुआ तो क्या करेंगे अपन? देन इन दैट केस परचेज किस चीज के ऊपर होगा, किस वैल्यू के ऊपर होगा? नैव या मार्केट प्राइस पे. सो क्लोज एंडेड फंड में नैव का कोई लेना देना नहीं है, परचेज विल ऑलवेज बी एट द मार्केट प्राइस, परचेज विल ऑलवेज बी एट द मार्केट प्राइस.
अच्छा उसके बाद में अगर सेल हुआ तो सेल किसके ऊपर होगा, नैव के ऊपर होगा या मार्केट प्राइस के ऊपर होगा? सेल विल ऑलवेज बी एट द रेट मार्केट प्राइस, नैव के ऊपर कुछ नहीं होगा, नैव के ऊपर कुछ नहीं होगा, राइट। अच्छा अगर मुझे प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो ये प्रीमियम हुआ या डिस्काउंट। एंड यहां पे मैं लिखता हूं नैव इज लेस देन मार्केट प्राइस, तो ये प्रीमियम हुआ या डिस्काउंट, बोलो बोलो चल चल। नैव ज्यादा है, सपोज ये नैव 10 रुपए का है, ठीक है। सो अगेन मैं अगर परचेस कर रहा हूं, मैं परचेस कर रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, परचेस की बात कर रहा हूं, सीधा डिस्काउंट प्रीमियम नहीं ना, अपन लोगों को देखना पड़ेगा ना परचेस है कि सेल है, एफए कैफे कर रहे हो। तो अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूं, अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूं तो अगर नया 10 रुपए का है और मार्केट प्राइस 12 रुपए का है, देन इन दैट केस मेरे जो मेरा समझो मेरा नैव है 10 रुपया एंड मेरा मार्केट प्राइस है 12 रुपया, तो कहना इसे मैंने प्रीमियम में खरीदा है उसको, एंड मेरा नैव है 12 रुपया, मार्केट प्राइस है 10 रुपया, तो इसका मतलब मैंने डिस्काउंट में खरीदा है इसको। एंड आई थिंक वैसे वर्षा हो जाएगा सेल के लिए, वैसे वर्षा हो जाएगा सेल के लिए गाइस, वैसे वर्षा फॉर सेल्स। और मैंने इसी से एक रिटर्न्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने रिटर्न्स का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। सो रिटर्न इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स विल बी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस प्लस एनी इनकम, ठीक है ना, एनी इनकम प्लस एनी इनकम मैं लिख देता हूं, तो इसमें आपका डिविडेंड इंटरेस्ट कैपिटल गेन सब आ गया, डिवाइड बाय परचेज प्राइस, डिवाइड बाय परचेज प्राइस। तो ये करने से कहना इसे मेरे को रिटर्न्स का परसेंटेज मिल जाएगा। एवरीबॉडी यस? चलो सो पूरी तरह से अपन लोग ने जो भी अभी तक किया था सब रिवाइज कर लिया, अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स लगा, बट कैन आई से इट वॉज वर्थ इट, कैन आई से मेजोरिटी ये सारी की सारी चीजें आपकी स्टूडेंट नोट्स में जाएंगी, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडरस्टैंडिंग, वहां से कहानी को आगे बढ़ा के अपन लोग ने क्लोज एंडेड ओपन एंडेड समझ लिया, नैव फिर अपन लोग ने समझ लिया क्या है, नैव का डेफिनेशन समझ लिया यार, नैव अगर डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो कैफे होगा लिख लिया अपन लोग ने, एंड क्लोज एंडेड आ गया। आई थिंक क्लोज एंडेड में पब्लिक बोल रहा है कि सर आपने शायद ऊपर नीचे कुछ कर दिया है, तो देख लेते हैं। सो नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस अगर हुआ, हाँ चलो। सो जूही ने पूछा है कि सर ये नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो प्रीमियम डिस्काउंट का थोड़ा वापस से बताओ ना, चलो आओ वापस से डिस्कस करते हैं। तो सपोज क्लोज एंडेड फंड है, ठीक है, तो जूही तेरे को ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जी तेरा ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं एक बार तेरे को, सपोज तू परचेस करने के लिए जा रही है क्लोज एंडेड फंड, सपोज तू क्लोज एंडेड फंड परचेस करने के लिए जा रही है, एंड ये क्लोज एंडेड फंड का नैव है 10 रुपया एंड मार्केट प्राइस है इसका 12 रुपया, ठीक है, सो व्हाट विल बी योर परचेस प्राइस इफ इट इज अ क्लोज एंडेड फंड? तो सीधी सी बात है तेरे को तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा, तो 12 रुपया हो गया। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये मैंने परचेज किया है एट द रेट ₹12, तो 10 रुपए की नैव की चीज 12 रुपए में परचेज की है, तो तूने ज्यादा पैसा दिया है, तो ज्यादा पैसा देते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम में खरीदा है, बराबर। एंड वाइस वर्सा अगर मैंने किया कि भाई नैव मेरा 12 है या 14 है और मार्केट प्राइस मेरा है से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया, सॉरी 11 रुपया,
ठीक है। यहां पे अब परचेज की बात चल रही है, तो तेरा परचेज एट द रेट ₹11 होगा, क्योंकि अपन तो कभी भी मार्केट प्राइस पे ही खरीदते हैं, राइट। सो ₹14 का एनएब की चीज तूने ₹11 में खरीदी, मतलब कहना इसे तूने ये जो खरीदा है वो डिस्काउंट पे खरीदा है। ए समझ गुड एवरीबॉडी, समझ में आया प्रीमियम और डिस्काउंट। सो जब नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, जब नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो बेसिकली अपन प्रीमियम में खरीद रहे हैं। जब नैव इज ग्रेट लेस देन मार्केट प्राइस, तो बेसिकली अपन डिस्काउंट में खरीद रहे हैं। एंड जब मैं सेल कर रहा हूं, तो क्या होगा, जब मैं सेल कर रहा हूं तो क्या होगा, चलो आओ देखते हैं। सपोज मैं जब सेल कर रहा हूं और नैव है ₹10, ₹11, बट उसका मार्केट प्राइस है ₹14। सो कहना इसे यहां पे क्या हुआ, नैव इज लेस देन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस बड़ा है, बोलो यार, यस। सो क्या हुआ, कहना इसे आर सेल इज एट, देखो बेस तो अपना नैव है, तो नैव से ज्यादा पे बेचा अपन लोग ने, सो वी हैव सोल्ड इट एट प्रीमियम। एंड अगर 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 मेरा नैव है से ₹15 एंड मेरा मार्केट प्राइस है से ₹12, मतलब कहना है से माय नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो मैंने कम में सेल कर दिया, जिसका नैव 15 है उसको मैं 12 में बेच के आया, मतलब बेसिकली मैं डिस्काउंट में बेच के आया। क्या आपको सब समझ में आ गया जूही जी? एवरीबॉडी एल्स इज टोटली क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आप लोग अभी तक पढ़ाए, स्टार्ट टू एंड अपना एकदम क्लियर हो गया सिस्टमैटिकली? अरे बोलो यार, चल इस बात पे सम्स को और आगे बढ़ाते हैं। एवरीबॉडी ग्रेट विद द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लेट्स टेक थिंग्स क्लियर, ऑल क्लियर एकदम। अच्छा अब मैं आपको खाली एक ही चीज बोल रहा हूं, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट नोट्स। सौम्या किधर है, सौम्या स्टूडेंट नोट्स लिख रही है कि नहीं? देखो आज शायद सौम्या आई नहीं है। अब सौम्या तेरे भरोसे पे हम लोग ने सारा स्टूडेंट नोट रखा है और तू आई नहीं है, एफे कैफे चलेगा दीदी? चलो कोई बात नहीं, यस यस पार्थ। सो एट सेल एंड परचेज डिस्काउंट एंड प्रीमियम अमाउंट इज सेम, बट अगर सपोज कोई पर्टिकुलर, सपोज एक ही दिन पे, सपोज आज की तारीख में से आज है 10th of August, ठीक है, 10th of August को अगर पार्थ ये वाला अगर पार्थ ये वाला क्लोज एंडेड फंड परचेस करेगा तो वो प्रीमियम पे परचेस करेगा, एंड अगर मैं सेल करेगा तो मैं प्रीमियम पे सेल करेगा। गॉट इट? ओह यह सौम्या जी इज बैक, देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। चलो डन। सो आज पूरा का पूरा अपन लोग ने रिवाइज कर लिया जो भी, ग्रेट, जो भी अपन लोग ने किया था, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। ओके अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का हुआ है? मोहम्मद बोल रहा है, एक मोहम्मद अली बोल रहा है कि सर मेरे को उसमें डाउट है, तो फटाफट डाउट पूछ ले भाई, तो बाकी लोग तेरे को हेल्प कर देंगे डाउट के साथ। यस गाइस प्लीज हेल्प हिम विद द डाउट्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ जाओ सब लोग, जो तुम लोग का होमवर्क क्वेश्चन था गाइस, होमवर्क किया होगा ना यार? यस चल भाई मोहम्मद जी पूछिए, डाउट क्या है आपका? मैं एक क्विकली इसको डिस्कस कर लेता हूं भाई। ए लिमिटेड के 10,000 शेयर्स है, बी लिमिटेड के, सी लिमिटेड के, ये लोग सब लोग इतने इतने शेयर्स है, अपने को अगर नैव फाइंड करना है देन इन दैट केस सीधा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 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 एमआरसी करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 8 लाख करेंगे तो अपने को नैव ऑफ द फंड मिल जाएगा। तो आई थिंक ये तो काफी इजी पीजी प्लेन वनीला है। अच्छा फ्रेश इश्यू ऑफ यूनिट्स डेसिमल कंसीडर नहीं किया है बुक में, अपने को करने का, वी विल फॉलो दैट, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
82,842,042 आता है टोटल यूनिट, बट बुक में 8,42,000 लिया है, तो बुक ने ना छुट्टा माफ कर दिया है, तो इट्स ओके okay. तो अपन तो और प्रिसाइज है, सो डोंट वरी, अपन बुक से एक लेवल आ गई है, सो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. देखो क्या है, पता है क्या, बुक में जो है ना, बुक ऑथर्ड बुक है, तो मुझे इंस्टीट्यूट का ही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे. ज्यादा मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, बिकॉज बच्चों को चाहिए सर इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन बताओ अपनी बुक में, इंस्टीट्यूट का, तो लो भाई इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन ये है. तो इंस्टीट्यूट तो खेलता है ना, कभी कभी वो 2 डेसिमल लेता है, कभी वो 4 डेसिमल, कभी राउंड ऑफ नहीं करता है, कभी ऐसे 8,42,000.042 आया तो उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है. बट अपन ने एक स्टैंडर्डाइज डाला है, और अपना स्टैंडर्डाइज ज्यादा प्रिसाइज है इंस्टीट्यूट से, सो अपने को कहीं पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वो बोल रहा है, मोहम्मद बोल रहा है मॉड्यूल में भी सेम है. हाँ तो सेम ही होगा ना भाई, डिविएशन इज ऑफ 0.042 यूनिट्स एंड ट्रस्ट मी इट इज इरेलेवेंट एंड वी आर वन स्टेप अहेड ओनली. सो ऐसा नहीं है कि अपन लोग का कम आ रहा है उनका ज्यादा, मतलब बेटर आ रहा है आंसर, अपना आंसर इवन बेटर है उनसे, सो दोज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड, ठीक है. सो आई डोंट थिंक सो उसके लिए ज्यादा बहुत अपने को डिस्कशन करने का जरूरत है. सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में वही 50 लाख रुपए आए, उसमें से 18,000 शेयर सी में लिए. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे जानवी है क्या, जानवी मुझे एक बात बताना, तो ये जो अपन लोग ने अभी सी जो शेयर्स ले रहे हैं अपन लोग 18,000 सी, वो अपन कितने प्राइस पे लेंगे, 264.4 पे लेंगे कि 290.8 पे लेंगे. अच्छा आप लोग भी जरा बताना, तो ये जो 18,000, अभी देखो क्या हुआ, मेरे पास 1 अप्रैल को एक्स आया और बोलता है कि भाई, या आई थिंक ये 2 अप्रैल को आया होगा, 2 अप्रैल को, सपोज 2 अप्रैल को वो आया और मेरे को आके वो बोलता है कि भाई मैं 30 लाख रुपए दे, 50 लाख रुपए दे रहा हूं, तो सी ने मुझे, एक्स ने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए. 50 लाख रुपए मैं अपने पास करूंगा क्या, नहीं, मैं इमीडिएटली मार्केट में गया और 18,000 शेयर्स ऑफ सी खरीद लिया. 18,000 शेयर्स ऑफ सी मैं कितने प्राइस पे खरीदूंगा, करेक्ट, आई विल परचेज इट एट 264.4. कोइंसिडेंटली, थैंकफुली, ये लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि 2 अप्रैल को एट 4 PM. सो ये जो 290.8 है ये क्लोजिंग का है, सो इसका मतलब पूरे दिन 264.6 के आसपास रहा रहेगा, अज्यूमिंग वही रहेगा. सो 18,000 इंटू 264.4 पे आप री इन्वेस्ट करोगे, सो 18,000 इंटू 264.4 तो 47,59,200, और उसमें से 50 लाख गया तो 2,40,800 का आपका कैश बचेगा, वो आपको ध्यान में रखना है. ये रहा 2,40,800 का कैश बचा है, वो मैंने नेक्स्ट टाइम भी लिया है, और जो मेरा थर्ड कैलकुलेशन है उसमें मेरे को वापस नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करना है एट द मार्केट प्राइस. बट एक चीज ध्यान में रखना कि आपने सी शेयर आपके पास 10,000 था, उसके बाद में आपने और 18,000 खरीदा, तो वो आपका 10,000 से 28,000 हो जाएगा. सो ये आपका 28,000 हो जाएगा. सो यहां पे जब अपन ने इनिशियल कैलकुलेशन किया होगा, यहां पे जब अपन ने इनिशियल कैलकुलेशन किया होगा सी का, तो 10,000 के बेसिस पे किया था, 10,000 इंटू 264.4 ना, 10,000 यूनिट्स इनिशियली जो थे एट द रेट रुपीज 264.4. गॉट इट, गॉट इट. सो नाउ एज ऑन 2 अप्रैल अपने पास आ गया है. ए समझिगड़ू, आर यू क्लियर एवरीबॉडी, चलो डन. सो होमवर्क क्वेश्चन भी अपना डिस्कस हो गया है, क्या अब अपन आज का कुछ नया चालू करें. सो अब आई होप ये जो भी आज अपना डिस्कशन हुआ है इतना अच्छा तरह से दिमाग में सेट हो गया होगा कि वापस मुझे ये वाले डिस्कशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको किसी को सिखाना हुआ तो आप भी उसको सिखा सकते हो, उतना आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा. चल आ जाते हैं. चल अरविंद गोधरा बोल रहे हैं, यस सर क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 4 पे लेडीज एंड जेंटलमैन एवरीबॉडी, अंकित पांडे क्या बोल रहे हैं, अंकित पांडे एक से ना, अंकित पांडे को कैसे
क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ डाउट आया है, एक तो वो होमवर्क करके आया नहीं है, मैं देख रहा हूं उसको, और डाउट पूछ रहा है, तो गलत है भाई, तेरा सिस्टम ही गलत है। एट प्लस 18 नहीं होगा अंकित पांडे, 10+18 होगा ना तेरा, सी लिमिटेड तेरे पास था, सी लिमिटेड का शेयर्स का बात चल रहा है मेरे भाई, 8,42,000 कहां से आया अंकित पांडे? सबसे पहली बात, तू होमवर्क करके आया नहीं है और डाउट पूछ रहा है। मोहम्मद अली ने होमवर्क किया था और डाउट पूछ रहा था, कैसे पता चला सर आपको मैं होमवर्क करके नहीं आया हूं? क्योंकि अगर तू होमवर्क करके आया होता ना, तो ये वाली चीज तुझे खुद समझ में आ जाती थी कि 8,42,000 कहां से आया। भाई साहब, जब आपके पास 50 लाख रुपए आए, तब आपने उसको कुछ यूनिट्स इशू किए होंगे, किसको? ए को। ये वो 42,000 एक्स्ट्रा यूनिट जो बढ़े हैं ना, ये वो है। अंकित पांडे, होमवर्क करके आओ, फिर आप प्लीज डाउट पूछो तो बेटर रहेगा। अब आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसके लिए माफ कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए ऐसा। गाइज, डाउट पूछो अनलिमिटेड, बट होमवर्क, होमवर्क वाला डाउट पूछो, जितना पूछना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले सॉल्व करके आओ, फिर बाद में डाउट पूछो तो बेटर होगा। यहाँ पे खाली हवा में तीर मत चलाओ, फच्चे मत मारो अंकित पांडे, नेक्स्ट टाइम बेटर टेक नोट ऑफ दैट। होमवर्क क्यों नहीं करके आया? और मुझे ये सब पता चला ना, होमवर्क करके नहीं आ रहे हो तुम लोग, मैं लाइव से तुम लोगों को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। लाइव पे बैठने का फायदा यही है कि तुम लोग का होमवर्क टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए, डिस्कशन टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। सो इसके लिए वो बोल रहा है फर्स्ट क्लास है, यहां पे मैं पिघल गया। अब फर्स्ट क्लास है तो क्या बोलूं मैं उसको यार। ठीक है भाई, बट अंकित पांडे के जरिए मैंने आपको बता दिया है मुझे क्या बोलना था आपके होमवर्क रिलेटेड। ठीक है, जैसा मैं कल बोला था, कभी अचानक से आपके घर पे आ गया और बुक खोला और मुझे दिखा कि होमवर्क नहीं किया है, देन तहलका तांडव मच सकता है, तो ऐसा होने मत देना। सो अब तूने बोला है तेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं तेरे को कि भाई 50 लाख रुपया आया था अपने पास, तो वो जो 50 लाख रुपया आया, तो वो 50 लाख रुपया अपन लोग ने उसको यूनिट्स देना पड़ेगा ना, तो उस दिन का नैव कितना था तेरा मेरे भाई? उस दिन का नैव था 119.05, तो 119.05 पर यूनिट। सो 50 लाख डिवाइड बाय 119.05 मैं करता हूं, तो बेसिकली उसको 42,000 यूनिट्स मैंने इशू किया। किसको? ये मिस्टर ए को मैंने 42,000 यूनिट्स इशू किया। ये वो 42,000 यूनिट्स है मेरे भाई। सो 8 लाख यूनिट्स था प्लस 42,000 यूनिट्स और ऐड हुआ, तो ये 8,42,000 यूनिट्स टोटल हो गया। और वो जो सी की बात कर रहे हैं ना, वो अलग है, वो तेरा मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है भाई। ये 50 लाख अपन लोग ने सी में इन्वेस्ट किया और इसका 18,000 शेयर लिया, तो जब इसका मेरे को नैव कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए, तो ये वो गॉट इट। चल डन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे आप सब, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे आप सब। मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आ चुका है एग्जाम में, है इजी, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, देखते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट इसमें एट टाइम्स कंट्रोवर्शियल हो जाता है वैसा। वाह वाह कीर्तिमान, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द नैव ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस। चलो एवरीबॉडी ध्यान देना, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड, मतलब डिविडेंड देने के बाद लिस्टेड शेयर्स का क्या वैल्यू है? इट इज 20 करोड़। एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड क्या होता है, मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं, वैसे आगे मुझे वापस से उसको डिटेल में डिस्कस करना है, बट अभी ये क्वेश्चन पूरता। देखो क्या होता है पता है क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ कुछ पॉइंट्स है ना क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जो खाली वो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, और छोटे से पॉइंट होते हैं जिसका लार्जर पिक्चर आगे जाके क्लियर होने वाला होता है।
समझ रहे हो? तो अब यहां पे एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का लार्जर पिक्चर आगे जाके क्लियर होने वाला है, बट फिलहाल यहां पे आया है तो मैं आपको खाली एक हिंट दे देता हूं। सुनो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूचुअल फंड है, मार्केट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, उसका नैव है, सपोज उसका से आज है से 20th of August, 20th of August आज अपना ट्रेडिंग डे खत्म हो गया एंड आज के अपना ट्रेडिंग डे का नैव है ₹15 per unit। अब 21st of August को, 21st of August को, ठीक है, ये कंपनी, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये डिविडेंड इश्यू करती है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, कितने का डिविडेंड इशू कर रही है? तो ये कंपनी बोलती है कि भाई हम आज डिविडेंड देना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट होल्डर को डिविडेंड देनी है, ध्यान से समझना, अपन ने जो म्यूचुअल फंड ने जो शेयर में इन्वेस्ट किया है वो शेयर वाली कंपनी नहीं, म्यूचुअल फंड अपने को डिविडेंड दे रही है, तो यहां पे उन्होंने लिखा है ₹2 per unit का डिविडेंड वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो 20th अगस्त को 15 था, 21st अगस्त को उन्होंने अपने को ₹2 का डिविडेंड दिया, 21st अगस्त को उन्होंने अपने को ₹2 का डिविडेंड दिया, 21st अगस्त को और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब ना कोई परचेज ऑफ या यूनिट्स हुआ है, मतलब ना इश्यू हुआ है कोई नया यूनिट, ना कोई यूनिट रिडीम हुआ है, ना कोई डिविडेंड मिला है और कोई अपने को शेयर से, ना कोई इंटरेस्ट मिला है, ना पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन हुआ है। आप मुझे बताओ 21st अगस्त के एंड को अगर खाली इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है तो क्या आप 21st अगस्त का मेरे को नैव बता सकते हो क्या, क्या होगा इसका, इस म्यूचुअल फंड कंपनी का? हाँ, इतना मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कि 21st अगस्त को नो न्यू इश्यू ऑफ यूनिट्स, नो न्यू रिडेम्पशन, कोई भी नया रिडेम्पशन नहीं हुआ है, नो डिविडेंड, नो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आइडियली तो अगर कुछ नहीं हुआ है, अगर गॉड उठा, वेरी नाइस आंसर, सब लोग ने आंसर दे दिया, वेरी गुड आंसर, सब लोग का एक ही आंसर है, वंशिका जैन, अंकित पांडे, अरविंद, सोनाली, केतन, कीर्तिमान, मैं कुछ बोलने जा रहा था उसके पहले तुम लोग ने आंसर दे दिया, अच्छा हुआ दे दिया, इससे मुझे पता चल गया तुम्हारा लेवल, अच्छी बात है, गुड। अब इधर देखो, सुनो मैं यहां पे अगर लिखता हूं कि 20th अगस्त को, इससे मुझे पता चला, तुम्हारे आंसर से मुझे पता चला कि मुझे और बेसिक से तुमको पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगा। सपोज मैं आपको बोलता हूं 20th अगस्त को, मैं बोलता हूं 20th अगस्त को नैव है ₹15 per unit, 20th अगस्त को नैव है 15 per unit, मैं आपको बोलता हूं 21st अगस्त को नैव क्या होगा, कोई डिविडेंड किसी ने नहीं दिया, अगर आपके पास, समझो ना ये वाला चीज भूल जाओ, फॉर नाउ ये वाला चीज भूल जाओ, प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो ये वाला चीज। अब मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, सुनो, इधर देखो, हाँ, आपको मुझे बताना है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन के भाई 20th अगस्त को ₹15 का नैव था, 21st अगस्त को क्या नैव होगा, अज्यूमिंग के नो कोई भी नया इश्यू नहीं है, कोई भी नया रिडेम्पशन नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है, कोई पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन नहीं है, एक पैसे का कोई खर्चा नहीं हुआ है 21st अगस्त को, नो एक्सपेंसेस, नो कैपिटल गेन, कुछ भी नहीं है, तो 21st अगस्त का नैव कितना होगा? एवरीबडी हैज टू आंसर, कम ऑन, ये आपके सामने सिनेरियो है बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 अगस्त को नैव है 15, 21 अगस्त को नैब कितना होगा?
सब लोग ने आंसर दे दिया है, क्या बात है क्या बात है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि सबका आंसर करेक्ट आ गया, वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन फोर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था, आपने सब लोग ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग का जवाब है 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट। देर इज नो चेंज इन नैप बिकॉज कोई भी चीज चेंज ही नहीं हुई है, एकदम सही जवाब दिया। ठीक है डन, समझ में आ गया, इतना सब लोगों को समझ में आ गया। यस सर, सब लोग ने सही जवाब दिया तो समझ में आया ही होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, 20 तारीख को 15 था, 21 तारीख को म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, तो आपको मैंने पूछा 21 तारीख को क्या नैब होगा। अगेन अज्यूमिंग देर हैज बीन नो न्यू इश्यू, नो रिडेम्पशन, नो पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, तो आपने जवाब दिया 17 रुपए पर यूनिट, करेक्ट। अरे भाई और बहनों, कहां से 17, इट विल बी 15 रुपीज। भाई 15 रुपए का नैब था, उसमें से अब 2 रुपया तुम्हारे को दे दिया, तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास तो 13 रुपया बचाना। मेरे को पास, तुम लोग जो गूगल ड्राइव में देख रहे हो भाई, लाइव में लोगों ने, कम से कम 50 लोगों ने 17 रुपए का आंसर दे दिया यार। अरे 13 रुपया हुआ ना भाई, 13 रुपया होगा, 15 रुपया भी नहीं रहेगा, 2 रुपया कम हो जाएगा। 17 रुपए का मेरा, 15 रुपए का मेरा नैव था, तुम लोग भी यार मुझे 17 बोल रहे, 15 रुपए का मेरा नैव था 20 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त को कोई नया रिडेम्पशन टाइम पास कुछ भी नहीं हुआ, वो 15 रुपए में से भाई जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा है उसी में से वो तुम्हारे को दे रहा है ना, तो उसी में से निकाल के उसने तुम्हारे को 2 रुपया दे दिया, तो उतना नैव कम हो जाएगा ना यार। ओ जीज, वंशिका सो रही है, तू तो सो रही है पक्का, दिख रहा है मुझे यहां से। आई मीन कम ऑन, मुझे लगा ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, अब मैं तुम लोग को और डिटेल में समझाता हूं, इसको और तोड़ के समझाता हूं। नहीं अब सुनो, अब सुनो, सब लोग 17 आंसर दिया, और मैं ऑलमोस्ट तुम लोग का आंसर देखने के पहले मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था, कैसे पता है, मैं फ्लो में बोलने वाला था, तो 15 रुपए है उसमें से 2 डिविडेंड हो जाएगा तो 13 रुपए बचेगा ना। अच्छा हुआ मैंने वो फ्लो में नहीं बोला, अदरवाइज तो बाउंसर ही जाता तुम्हारे को। हाँ अंकित पांडे पूछ रहे तो डिविडेंड से बेनिफिट क्या हुआ, एग्जैक्टली मैं तुमको अंदर का बात बताऊं, डिविडेंड से कभी कोई बेनिफिट होता ही नहीं है, और ये है ना मोडिग्लियानी मिलर आप लोग को बोल चुका है, जब उसने आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो ना कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अनफॉर्चुनेटली रट्टा मार के आए होगे, बट मोडिग्लियानी मिलर उस बंदे को नोबल प्राइज मिला है, उसने क्या बोला है पता है, ये डिविडेंड देने से है ना आपको रियल कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपका ही पैसा आपको दिया जा रहा है। अंकित पांडे बहुत सही चीज बोल दिया तूने, तुझे नोबल प्राइज मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलने से अपन खुश होते हैं, डिविडेंड मिला डिविडेंड मिला, भाई डिविडेंड कुछ हो नहीं रहा है, तेरा ही पैसा तेरे को दिया है। मालूम है वो अक्षय कुमार का एक वो है, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, तो उसमें क्या कर रहा है अक्षय कुमार, सामने वाले को खुफिया बना रहा है। वैसे ही डिविडेंड कुछ नहीं है भाई, डिविडेंड आपको पैसा आप ही को मिल रहा है, बहुत ज्यादा खुश मत हो। एंड ये मोडिग्लियानी मिलर ने बोल दिया था बहुत टाइम पहले, उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला, उसने मैथमेटिकली प्रूव करके बताया, एंड ही वाज सो करेक्ट। समझ रहे अंकित, बड़ी बात बोल दी तूने, पता नहीं चला तुझे। All right guys, so, अब मैं आप सुनो, अब मैं थोड़ा और डिटेल में तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो so, मेरा 20th अगस्त को मैं 20th अगस्त को मेरा नेट एसेट वैल्यू था कितना, 15 पर यूनिट, और सपोज मेरे पास तभी उस दिन नंबर ऑफ यूनिट्स था 10,000 यूनिट्स, तो मेरा नेट एसेट वैल्यू आया टोटल टर्म्स में मेरा नेट एसेट वैल्यू आया कितना रुपया, रुपीज 15 लाख, बराबर है। हाँ तो सॉरी 1.5 लाख मैं भी यार इतना चिल्लर कैलकुलेशन, चलो सो 1.5 लाख आया मेरा, बराबर है। अब 21 तारीख को 21 अगस्त को मैंने तुम्हारे को 2 रुपए का डिविडेंड दिया पर यूनिट, तो 2 पर यूनिट का डिविडेंड दिया इंटू टेन थाउजेंड यूनिट्स, तो कहना इसे इनडायरेक्टली 20,000 रुपया मेरे जेब से गया ना। ए भाई
मेरे जेब से, मैं म्यूचुअल फंड यूनिट हूं, 20,000 रुपए का तुम लोगों को डिविडेंड गया तो गया ना, तो अब नेक्स्ट डे पे मेरा टोटल नैव कितना बच जाएगा, मेरा टोटल नैव कितना बच जाएगा, ₹1,30,000 डिवाइड बाय, मैंने बोला था मेरा कोई यूनिट्स में चेंज ही नहीं हुआ, तो डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, तो कहना इससे अब मेरे नैव का वैल्यू ₹13 हो जाएगा। अरे भाई अब समझा कैसे 15 का 13 हुआ। तो कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड देता है ना, टू डैट एक्सटेंट नोट करना, शेयर मार्केट में उतना उसका वैल्यू कम हो ही जाएगा। बोनस देता है ना, 1:1 बोनस दिया, 1:1 बोनस दिया, तो वो इतना बोनस दिया तो बेसिकली प्रॉफिट आपका ही प्रॉफिट आपको दिया है, उतना उसका शेयर वैल्यू कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ, अपनी अक्कल लगाओ। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया क्या आप लोग को? 17 बोल दिए थे तुम यार, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ गलती किया, और मैं फ्लो में पढ़ा हूं, उसके पहले वो गलती कर लिया, वो मुझे अच्छा लगा, तो ये मुझे बेसिक से समझाना पड़ा, अच्छा लगा मुझे। अंकित समझ में आ गया तेरा पॉइंट? तो सर फायदा क्या हुआ डिविडेंड देने का? कुछ भी नहीं, तेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अंदर की बात बता रहा हूं भैया। हाँ समझे गड़े। अब जो पॉइंट मुझे बताना था अब मैं बता रहा हूं, ये सब मेरा समझाने का इंटेंशन था ही नहीं, मेरा खाली समझाने का इंटेंशन ये था कि इसमें से जो ₹15 है ना उसको कहते हैं कम डिविडेंड प्राइस, इसमें से जो ₹13 है ना उसको कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। गलती से इंसान सीखता है भाई, ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, यहाँ पे तुम लोग गलती नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तो तुम लोग सीख ही रहे हो ना। सो दैट्स प्रीटी मच ऑब्वियस, आई एम मोर देन हैप्पी टू नो दिस। ए भाई ₹15 को क्या बोलेगा? कम डिविडेंड। ₹13 को क्या बोलेगा? एक्स डिविडेंड। वो मुझे समझाना था, समझी गुड़ू? करेक्ट, रिया भोजवानी बोली है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, जो मैं जब तुम लोग को ये कनेक्शन बिठा रहा था तो मैंने बोला था 2-3 बार, और मैंने एक चीज नोट किया, एक ने 17 लिखा ना तो 15+2 इजीली है 17 लिखना, दूसरे ने भी 17 लिख दिया, अब 2 जन को 17 लिखा देखा, तीसरे ने भी 17 लिखा, और 3 जन 17 बोल रहे हैं तो 17 ही सही होगा, चलो अपन भी 17 लिखते हैं, एक्चुअली एफा होगा है ना। चलो, सो डिविडेंड इज एज गुड एज पे आउट बाय म्यूचुअल फंड कंपनी टू यूनिट होल्डर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर प्रांजल, यू हैव हिट द बुल्स आई, यू हैव हिट द बुल्स आई। सो काजल पूछ रही है, आज पता चला सर जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो शेयर प्राइस इसलिए फॉल करता है? यस दिस इज द रीजन काजल जी। नैव कंपनी के लिए कैलकुलेट हुआ है, प्रवीण त्रिपाठी, क्या बात है, मतलब अब तुम लोग सब लोग एक्सपर्ट, तुम लोग ने मुझे एक एक्सपर्ट नजर आ रहा है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, नाइस। बॉटम लाइन समझ में आ गया, तो अपने पॉइंट के लिए मुझे जो बताना था मुझे वो बताने दो, मुझे भटकने मत दो मेरे राह से, कि अपना जो एग्जाम्पल था उसमें जब म्यूचुअल फंड का प्राइस ₹15 था, इस ₹15 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम डिविडेंड प्राइस, कम डिविडेंड प्राइस। और जब ये म्यूचुअल फंड ₹13 का हो गया उसको क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड प्राइस। ए समझी गुडू? ठीक है, बोलो ये मेन पॉइंट जो समझाना था उसके लिए कंफर्मेशन तो दो। हाँ सर समझ में आया, एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये म्यूचुअल फंड में हुआ, तो अगर ऐसा म्यूचुअल फंड में हुआ तो कहना इसे शेयर्स भी डिविडेंड देता है, तो शेयर्स में भी सेम चीज होती है, तो यहां पे जब लिखा है ना लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड, तो ये एक्स डिविडेंड का मतलब है कि भाई डिविडेंड देने के बाद जो प्राइस बचता है ये वो है। बट सर नैब कंपनी के लिए डिफरेंट और इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट? नहीं भाई, सबके लिए सेम ही होगा, कंपनी
ये खाली एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, दैट्स इट। तू 20th को जाने लेने को जाएगा तेरा तो 15 पे मिलेगा, 21st को लेने को जाएगा तो 13 पे मिलेगा। कीप इट एज सिंपल एज दिस, सबके लिए सेम ही होता है, इट कैन नॉट नेवर बी डिफरेंट, राइट। ये खाली एक तरीका है बोलने का, ये खाली एक तरीका है बोलने का। बाकी जब तू खरीदने जाएगा 20 तारीख को तुझे इतने में मिलेगा, 21 तारीख को लेने जाएगा तेरे को इतने में मिलेगा, सिंपल वैसा, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन क्यों आया मैं बताता हूं, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, सपोज फॉर एग्जाम्पल 21st को, एक सेकेंड ना, सिर्फ एक सेकेंड, हाँ। तो अब ये वर्डिंग्स क्यों यूज होता है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो क्या होता है कि समझो फॉर एग्जाम्पल 20th को 15 रुपीज था। अब 20th को इवनिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है ना 20th को अनाउंस किया 21st को ही दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा, समझ रहे तुम लोग। सो जो 20th को अनाउंस किया उसको कहते हैं ना अपन लोग कि भाई अब आज वो लोग ने अनाउंस कर दिया है, रिकॉर्ड डेट, वर्ड सुना होगा तुम लोग ने। अब शायद अपने को 5 दिन बाद वो डिविडेंड आ जाए, तो जब वो डिविडेंड आ जाएगा तब अपना वो शेयर का वैल्यू उतना कम हो जाएगा। सो इसके लिए वो वर्ड यूज किया जाता है कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, कि भाई 20 तारीख को जब मैं खरीद रहा हूं अभी से, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा पता है क्या त्रिपाठी जी, से फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया कि 15 रुपया है और आज हम डिविडेंड देने वाले हैं 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। सो अब यहां से लेके 25th तक क्या होगा पता है क्या, जब तक डिविडेंड मिलता नहीं है, जब डिविडेंड जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ये 13 हो जाएगा, पर 21, 22, 23 और 24 इस दिन तो वो डिविडेंड मिला नहीं है तो 15 पे ट्रेड होगा। तो ये जो 15 पे ट्रेड हो रहा है ना, डिविडेंड रिकॉर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी इसको कहते हैं कि भाई ये कम डिविडेंड पे अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और 25 को जब डिविडेंड मिल जाएगा तब अपन बोलेंगे कि ये अब एक्स डिविडेंड पे आ गया है। त्रिपाठी जी समझे क्या, त्रिपाठी जी समझे क्या, परफेक्ट। चलो सो यहां पे वी विल से ये जो 21, 22, 23, 24 है ना, ये दिन के लिए अपन लोग बोलेंगे भाई ये मैंने ना कम डिविडेंड प्राइस पे 15 रुपए देके खरीदा है, मतलब इसमें मेरा 2 रुपए इंक्लूडेड है। और अगर मैं कोई 25 तारीख को खरीदेगा तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई मैंने तो एक्स डिविडेंड प्राइस पे खरीदा है 13 रुपए में। बस ये डिस्टिंक्शन की वजह से ये वर्डिंग्स आया कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड। गॉट इट एवरीबॉडी। 20 रुपए का मेरा 20 तारीख का म्यूचुअल फंड का कम डिविडेंड, 21 तारीख को अपन लोग ने अज्यूम किया भाई नेक्स्ट डे पे दे दिया, तो उसके लिए उसको अपन लोग ने एक्स डिविडेंड कर दे दिया। बट समझ में आया तुम लोगों को लॉजिक कि भाई 15 रुपए की चीज अब 2 रुपए का उसमें से डिविडेंड दे दिया है, तो म्यूचुअल फंड ने ये अपना ही पैसा अपने को दिया है, तो 2 रुपया कम हो गया, तो इट इज 13 रुपीज नाउ दैट वी आर लेफ्ट विद। करेक्ट वंशिका। तो प्राइस शायद इमीडिएटली अफेक्ट ना हो, इट इज फॉर कंपनीज ओन कैलकुलेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट अंकित। चलो ग्रेट। सो नैव माइनस डिविडेंड पर यूनिट, सो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया है। अब कभी भी आप वर्ड एक्स डिविडेंड देखोगे तो उसका मतलब कि डिविडेंड देने के बाद वाले प्राइस पे अपन लोग ने खरीदा है ये लिस्टेड शेयर्स को, इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है, इन डिविडेंड दे दिया है वो लोग ने, उसके बाद मैंने खरीदा है। जैसा मैंने यहां पे बोला, अब मैं 25 तारीख को जब खरीदने जाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा मैंने ना एक्स डिविडेंड 13 रुपए में खरीदा है। परफेक्ट, डन। नेक्स्ट, कैश इन हैंड 1.23, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट 4.3। अभी सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इसके जो पॉइंट्स है ना, जहां पे कुछ ट्रिकीनेस है वो मैं समझा दूंगा, बट सॉल्व आप लोगों को करना है तो ध्यान से सुनना।
लिस्टेड शेयर्स है एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड 20 crores, कैश इन हैंड है 1.23, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट कॉस्ट है 4.3, ऑफ दीज बॉन्ड्स आर नॉट लिस्टेड एंड कोटेड 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना लिस्टेड एंड कोटेड है? देखो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक लिस्टेड बॉन्ड्स एक अनलिस्टेड बॉन्ड्स. सी फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने बॉन्ड्स इशू किया और अपना शेयर होल्डर्स को और वो लोग से पैसा लिया, तो ये वाला जो मेरा प्राइवेट लिमिटेड ये कहीं पे मेरा बॉन्ड्स लिस्टेड नहीं है, तो वो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हो गया. वेरेस जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस अडानी, अगर कोई बॉन्ड इशू करता है देन इन दैट केस वो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड बॉन्ड्स इशू करेगा, सो इट विल बी लिस्टेड बॉन्ड्स. सो 3.3 मेरा लिस्टेड है एंड 1 मेरा अनलिस्टेड है. अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, ठीक है, डिविडेंड अक्रूड, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, एक्सपेंडिचर अक्रूड, नंबर ऑफ यूनिट. सो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है 4.5 crores, डिविडेंड अक्रू हो रहा है, आएगा ये भी 0.8, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, तो कुछ अमाउंट पेबल हुआ तो अपन माइनस करते थे याद हो तो, एक्सपेंडिचर अक्रूड 0.75, नंबर ऑफ यूनिट्स 20 lakh rupees, जिसका फेस वैल्यू है 10, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज 106.5. तुम लोग को पता है अपन लोग क्या लिखते हैं उसमें, नैव कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट चीज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब अगर मैंने फिक्स्ड इनकम में डाला है तो उसका भी मार्केट वैल्यू मैं लूंगा नैव कैलकुलेशन के लिए, ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट, लिस्टेड शेयर्स वर परचेज व्हेन द इंडेक्स वाज 1000, अभी मेरा इंडेक्स हो गया 2300. सो फॉर नाउ कैन आई से, जहां पे भी मैंने इन्वेस्ट किया है, सेंसेक्स में, बीएसई में या एनएससी निफ्टी में, जब मैंने इन्वेस्ट किया था ये शेयर्स में तब 1000 था, आज 2300 हो गया. कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ के ट्राई करना, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. लास्ट बोला है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट नैव डेट इज 8 crores, एंड लास्ट में बोला है देयर हैज बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. आप मेरी कंपनी के फंड मैनेजर हैं, आप मेरी कंपनी के फंड मैनेजर हैं, क्या आप मेरे को हेल्प करोगे ये कैलकुलेट करने में नैव? आप लोगों को लगता है आप लोग ट्राई कर पाओगे? शुड आई गिव यू 2-5 minutes टू ट्राई, या आपको लगता है कि सर सीधा आप स्टार्ट कर दो, हमसे ना हो पाए, क्या करना है बोलो? जैफा प्रजा बोलेगी, राजा वैफा ही करेगा. करोगे ट्राई? गुड, चलो गिव इट अ ट्राई. ऑसम, गिव इट अ ट्राई. कौन है एवरीवन? कौन?
हाँ भाई, क्या बात है, मेजोरिटी पब्लिक बोल रहा है, हो गया सर। चलो भाई फिर मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। आरती जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है, इसको भी मैं लिखवा लूंगा। सौम्या जी, ये आपका पार्ट बनेगा स्टूडेंट नोट्स का। सर, जो एमएफ कंपनी डिविडेंड इशू करेगी वो नैव कैलकुलेशन में लेस होगा, एंड एमएफ कंपनी ने जिसने इन्वेस्ट किया है उसने डिविडेंड दिया तो वो ऐड करेंगे वेल कैलकुलेटिव ने। बहुत बढ़िया, लिख लेंगे अपन उसको, लिखवा लेंगे। अच्छा पॉइंट लिखा है तूने, बोला है आरती। परफेक्ट, बाकी हो गया है, इजी क्वेश्चन था। अब कल मुझे कोई बोला था सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है, ले भाई देख ले। मई 2010, मई 2014, मई 2016। चलो स्टार्ट करेंगे एवरीबॉडी, लाइट्स कैमरा रोल एंड एक्शन। यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है नैव। अब आप जब एग्जाम में ये सम सॉल्व करोगे तो प्लीज पहले फॉर्मूला लिखना। कल आई थिंक मुझे किसी ने पूछा था कि सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? यस, पुराने जमाने में आते थे सर। सी कैसा होता है पता है क्या? यस, पुराने टाइम का क्वेश्चन, यू कैन से नाउ डिसीजन मेकिंग आते हैं। बट कुछ ऐसा कोई बहुत मैंने कोई तो पेपर देखा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी अपन लोग करने ही वाले, ये बुक में अपने पास सम्स तो है ही ना, पास्ट पेपर के सम अपन करने ही वाले, तो समझ जाएगा कि यार है तो लॉजिकली सॉल्व करने वाली चीज है। मैं तो इंस्टीट्यूट को बोल बोल के थक गया हूं, थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ाओ, थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ाओ। वो लोग, उनके लिए लेवल बढ़ाना मतलब पेपर को लेंदी बनाना है, उससे अच्छा पेपर को कॉन्सेप्चुअल बना दो ना थोड़ा और, दैट विल क्रिएट बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पार्थ बोल रहा है मई 22 में भी पुराना क्वेश्चन था। अंकित पांडे देख, पार्थ बोल रहा है मई 22 में भी पुराना टाइप का ही क्वेश्चन था। तो एज सच कोई इंस्टीट्यूट का लेवल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है वैसा, बट बाकी ठीक है। दिस सब्जेक्ट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग इस सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट होपलेस पेपर मेकर है, मैं आपको बोलता हूं। पेपर मेकर अच्छे लेवल का होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का हाई लेवल का पेपर बनना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट करता क्या है पता है क्या? वो ही घिसे पिटे पास्ट पेपर मॉड्यूल के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थोड़ा बहुत नंबर चेंज करके एग्जाम में दे देता है। दिस इज नॉट हाउ अ फाइनेंशियल सब्जेक्ट इज स्टडीड, एब्सोल्युटली नॉट। अगर इंस्टीट्यूट में एक्चुअली दम है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जो कहीं पे भी नहीं हो, तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी कि किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितना अच्छी तरीके से कर पाया है। बट आज की तारीख में इंस्टीट्यूट शायद खुद में उतना दम नहीं है कि वो ऐसा पेपर निकाल सके। आइडियली एवरी पेपर शुड बी सच दैट नथिंग शुड कम फ्रॉम योर मॉड्यूल, पास्ट पेपर और एनीथिंग। पब्लिक तो रट्टा मार के जाता है, लिख के आता है और एग्जाम में बोलता है देखो सर सेम आंसर लिख के आया। दिस इज नॉट वॉट अ ग्लोबल लेवल एग्जाम शुड बी लाइक, ICAI, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है अपना, आपका और मेरा, मॉड्यूल पास्ट पेपर और ये करके जाते हैं हो जाएगा, ये दैट थॉट प्रोसेस शोज कि अपन ग्लोबल लेवल पे अच्छे प्रोफेशनल्स बन ही नहीं सकते, लेट मी टेल यू। SCMP वो लोग ने टफ किया, अच्छा लगा मुझे। SCMP वो लोग ने थोड़ा लेवल का लाया, डिसीजन मेकिंग वाला लाया, अच्छा लगा मुझे। बट SFM तो अभी भी वो लोग का कोई लेवल नहीं है यार, छोड़ो क्या बोलने का, चलो इसको सॉल्व करता हूं। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप बोलोगे सर आप तो CA बन गए हो तो आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर लो, ठीक है भाई ऐसा नहीं है यार। चलो यही बोल बोल के आप SCMP टफ कर दिए भाई, इतना अगर मेरा ICAI सुनता ना तो समझ जा, अगर इतना ही मेरा ICAI सुनता ना तो समझ जा। एनीवेज वो चैलेंज किया तो देख क्या किया, तभी तो यार दिल पे वार मत कर अंकित।
प्लीज सर, प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन वन वाला पॉइंट, लिस्टेड शेयर एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड। सो अभी आरती यादव पूछ रही है कि सर ये एक्स डिविडेंड 20 करोड़ है, इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब ये है आरती जी कि अपन ने जब ये लिस्टेड शेयर्स खरीदा, तब तक जो कंपनी थी जिसका अपन ने लिस्टेड शेयर्स खरीदा, वो लोग ने डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड देने के बाद का जो प्राइस था वो प्राइस पे अपन ने खरीदा, उसको कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। जैसा मैंने अभी ये प्रवीण त्रिपाठी को यहां पे समझाया था कि अगर 20 तारीख को इंस्टीट्यूट 20 तारीख को म्यूचुअल फंड कंपनी ने, या इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं, 20 तारीख को म्यूचुअल फंड कंपनी ने अनाउंस किया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 21, 22, 23, 24 को भाव उसका 15 ही रहेगा, मतलब उसमें डिविडेंड अमाउंट इंक्लूडेड ही है। तो अगर 21, 22, 23, 24 को कोई खरीदेगा ना, तो वो बोलेगा कि मैंने कम डिविडेंड 15 रुपए में खरीदा है। पर जो 25 तारीख को खरीदेगा ना, वो बोलेगा मैंने एक्स डिविडेंड 13 रुपए में खरीदा है। समझा क्या? शेयर्स के लिए, से फॉर एग्जाम्पल आरती, तूने से फॉर एग्जाम्पल आरती तूने शेयर्स खरीदा, किसका, अडानी का तूने शेयर्स खरीदा। अब अडानी का जब तू शेयर्स खरीदेगी, अगर तूने 20 तारीख को, अडानी ने, गौतम अडानी ने 20 तारीख को अनाउंस किया कि मैं 2 रुपया डिविडेंड दे रहा हूं, 25 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो 21, 22, 23, 24 को जो खरीद रहा है ना, उसको पता है कि वो जो भाव खरीद रहा है उसमें से 2 रुपया उसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो 21, 22, 23, 24 को खरीदेगी, तो तेरा तू खरीदेगी 15 रुपए में, और नाम देगी उसको मैंने कम डिविडेंड प्राइस पे 15 रुपए में खरीदा। बट 25 तारीख को खरीदेगी तो बोलेगी मैं एक्स डिविडेंड 13 रुपए में खरीदा, क्योंकि तब 25 तारीख को डिविडेंड एडजस्ट हो गया होगा, माइनस करके वो प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया क्या आरती? धनंजय उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। बिटवीन डिक्लेयर्ड एंड पेड टाइम इज कम डिविडेंड। यस, नाइस पॉइंट अंकित। डिक्लेयर कर दिया और पे कर दिया, उसके बीच का जो टाइम है वो बेसिकली कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड को डिफाइन करता है। चलो अब मेरे को फटाफट सॉल्व करना है यार, तुम लोग तो शाने लोग सॉल्व करके आगे बढ़ गए हो। सो स्टेटमेंट टू कैलकुलेट नैव, सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स है 20 करोड़ का, 20 करोड़ का लिस्टेड शेयर्स है। अब इधर देखो क्या बोला है, जब अपन लोग ने लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया था ना, तब इंडेक्स था 1000, अब इंडेक्स हो गया है 2300। सो यहां पे अज्यूम कर रहे हैं अपन कि जैसे जैसे इंडेक्स मूव कर रहा है, वैसे वैसे अपना शेयर भी मूव कर रहा होगा। सो अगर मैं यहां पे बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ टोटल नैव, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल नैव स्टेटमेंट ऑफ अरविंद, अगर तू 22nd को खरीद करेगा तो 15 ही रहेगा, 25th को खरीदेगा तो 13 हो जाएगा, 21st, 22nd, 23rd, 24th को 15 ही रहेगा, और उसको तू बोलेगा मैंने कम डिविडेंड खरीदा है, 25th को खरीदेगा तो 13 में खरीदेगा एक्स डिविडेंड। चल सो अब मैं आ रहा हूं सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज शेयर्स। शेयर्स बोला है भाई 20 करोड़ का था, बट अब तुम लोग ये लॉजिक समझते हो क्या कि यहां पे जब मैंने खरीदा था 20 करोड़ में, तब इसका इंडेक्स था मार्केट का 1000, आज की तारीख में जब मैं इसको वैल्यू कर रहा हूं तो इंडेक्स हो गया है 2300। तो कहना इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लूंगा कि भाई मेरे 20 करोड़ का वैल्यू कितना हुआ रहेगा। सो 20 × 2300 डिवाइड बाय 1000, सो कहना इसे ये 46 करोड़ हो जाएगा। एवरीबॉडी, क्या मैं सही कर रहा हूं? ठीक है ना। सो आपने कोई भी चीज खरीदी है, तब उसका वैल्यू था 1000, आज उसका वैल्यू 2300 हो गया है। सो आपको पता चल जाएगा भाई 46 करोड़ अब इसका वैल्यू हो गया है। निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स, S&P के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन आएगा फ्यूचर में, नॉट टू वरी। सो फिलहाल के लिए दिस इज 20 × 2300 डिवाइड बाय 1000, सो दिस बिकम्स 46, ऊपर लिख देता हूं इन क्रोड्स। चल डन। सेकेंड, सेकेंड के ऊपर मैं आता हूं,
ये वाला 46 सब लोगों को समझ गया ना। सो प्रोपोर्शनेटली जैसे इंडेक्स मूव कर रहा है, वी आर अज्यूमिंग कि हमारा शेयर भी उस हिसाब से ही मूव कर रहा है। चलो नेक्स्ट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो कैश इन हैंड है, उसका तो वैल्यू वही रहने वाला है। कैश इन हैंड, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी बातों में, कैश मेरे दिल में है, कैश मेरी सांसों में, 1.23, वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। चलो नेक्स्ट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट। अब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को अपन लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक लिस्टेड बॉन्ड्स, एक अनलिस्टेड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको इधर अपन डिवाइड कर देंगे, एक है मेरा लिस्टेड बॉन्ड्स, दूसरा है मेरा अनलिस्टेड बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा लिस्टेड बॉन्ड्स कितना है मेरा 4.3, उसमें से बोला है 1 अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कितना है 1। अच्छा लिस्टेड बॉन्ड्स के लिए क्या बोला है, देखो ना इधर बोला ना 4.3 का टोटल बॉन्ड्स है, उसमें से नॉट लिस्टेड 1 है, नॉट लिस्टेड 1 है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई बॉन्ड्स का जो मार्केट वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट नैव डेट इज 8, इट इज 8। ठीक है, सो यहां पे इसका वैल्यू वो लोग ने दे दिया है 8, एंड 1 वाला जो था उसका क्या हुआ है, ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड आर 1। हाँ उसका क्या हुआ है, उसका वो लोग ने बोला है देर इज अ डिम्यूनिशन ऑफ, डिम्यूनिशन मतलब वैल्यू कम हो गया ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो भाई जो चीज एक की थी अब 20% वैल्यू गिर गया है, सो 1 माइनस 20% विल बिकम 0.8। ओके ओके नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। हाँ अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट है 4.5, और उसके लिए वो लोग ने बोला है करंट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 हो गया, 106.5। सो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई फिक्स्ड इनकम वाला सिक्योरिटीज, बराबर है। तो एट कॉस्ट जब वो था तो वो था 4.5 पे, तो जब जब 100 रुपए का था तो 4.5 का उसका वैल्यू था, बट आज की तारीख में कितना हो गया है 106.5। सो कहना है इससे इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, कि भाई 100 रुपए था तब 4.5 का वैल्यू था तो 106.5 पे कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 106.5 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 4.7925, ये हो जाएगा 4.7925, समझ गए। सो इधर आ जाएगा 4.7925, डन। ओके नेक्स्ट, डिविडेंड अक्रूड 0.8, ये तो प्योर प्योर मेरा इनकम ही है, तो ये डिविडेंड अक्रूड 0.8। फिर और क्या है, और क्या है, अमाउंट पेबल ये लेस हो जाएगा, सो लेस अमाउंट पेबल अभी कितना आ रहा है 6.32, एक्सपेंडिचर अक्रूड 0.75, सो इधर 6.32 और इधर एक्सपेंडिचर अक्रूड 0.75, सो अपने को क्या मिल जाएगा टोटल नैव, अपने को क्या मिल जाएगा टोटल नैव, बोलो कितना आ रहा है टोटल नैव 46 + 1.23 + 8 + 0.8 + 4.7925 + 0.8 - 6.32 - 0.75 54.5525। सही है, डन है। सो 54.5525
5525। सो ये टोटल नैप को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसके साथ, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के साथ। सो टोटल नैप 54.5525 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स है 20 लाख। सो यहां पे अपन लोग करेंगे, अब ये देखो, अब है ना यहाँ पे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये है मेरा क्रोर्स में, ये वो लोग ने दिया है 20 लाख। सो ये अब कोई 54.55525 किधर गया, 54.5525 डिवाइड बाय 20, सपोज किसी ने कर दिया तो उसका आ जाएगा 2.72, बट वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको क्रोर्स को क्रोर्स के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, या तो उसको लैक्स में करो, इसको लैक्स में करो, समझे क्या, क्लियर एवरीबॉडी। अब यहां पे तुम लोग ने क्या लिया है बोलो मेरे को, सीधा आंसर बुक में देख के तुम लोग ने बोल तो दिया 272.7625, बट कोई मुझे अब बताओ तुम लोग ने किया क्या है यहां पे, लैक्स को क्रोर्स में कन्वर्ट किया है, क्रोर्स को लैक्स में किया है, क्या किया है तुम लोग ने बताओ जरा। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो 20 लाख को आप लोग ने लैक्स को क्रोर्स में कन्वर्ट कर दिया है, सो 20 लाख को लैक्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करोगे, 20 लाख विल बी इक्वल टू 0.2 crores। सो फाइनली मेरा नैव पर यूनिट आएगा 54.5525 डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू ₹272.7625। चलो इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट, ICAI एटलीस्ट 3 times डन, ठीक है। डन, कोई पूछेगा कि भाई सर ये कैसे कन्वर्ट किया क्रोर्स में, तो 20 लाख भाई कर देना तुम्हारे लिए, वो भी कर देता हूं, डिवाइड बाय 1 crore कर दो तो मिल जाएगा। चलो देखे, ठीक है। सो जब अपन ने लैक्स, ये 20 लाख को क्रोर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये करोगे तो आपको ये 0.2 crores मिल जाएगा। चलो अभी डन, यस मोहम्मद, डन एवरीवन, चलो फटाफट लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या ब्रेक, ब्रेक टाइम हो गया एक्चुअली, फ्लो अच्छा चल रहा था। एग्जाम में सॉल्व करना और क्लास में सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस होता है, 100% टोटली अग्रीड, इसीलिए बोलते हैं हम लोग टेस्ट देते रहा करो। चलो छोटे से चीनी मीनू ब्रेक के बाद मिलते हैं।